हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। जिसके नाम की आंधी और सुनामी चले, उस नाम को जिस एक महिला ने धूल चटा दी, वो महिला नेता अब यूपी में एंट्री करने जा रही है। जी हाँ, ममता बनर्जी, जिन्होंने खुद को प्रधान सेवक कहने वाले नरेंद्र मोदी को पानी पिला दिया। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के हर एक तिकड़म को फेल कर दिया। सीएम योगी, जिन्होंने बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए न जाने कितनी जनसभाएं की, उनके हर पैतरे को फेल कर दिया। अब वही ममता बनर्जी यूपी की सियासत में एंट्री लेने जा रही हैं, जिससे बीजेपी की दिल की धड़कनें तो बढ़ेंगी ही, साथ ही टेंशन दोगुना इस बात से हो सकती है कि वो गठबंधन करने जा रही हैं समाजवादी पार्टी से। अखिलेश की समाजवादी पार्टी को अब बड़े बड़ों को पछाड़ देने वाली ममता बनर्जी का साथ मिलने जा रहा है। खबरों की माने तो दोनों दलों के बीच करीब दो दौर की बातचीत भी हो चुकी है। सपा भी टीएमसी को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित दिखाई दे रही है। दोनों दल मिलकर बीजेपी को हराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। रणनीति ये कि 2022 के चुनाव में टीएमसी भले कोई खास कमाल ना दिखा पाए, लेकिन कम से कम बीजेपी को प्रदेश की जनता को अपनी मौजूदगी का तो एहसास कराने में सफल हो जाएगी। ममता बनर्जी अपने राजनीतिक पलक का विस्तार करने जा रही है और चेहरा बनाएंगी ललितेश त्रिपाठी। असम गोवा की तरह कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरे को टीएमसी में शामिल करने की पूरी तैयारी हो गई। माना जा रहा है कि ललितेश की टीएमसी में ज्वाइनिंग की पूरी तैयारी है। ललितेश के जरिए ममता यूपी की सियासत में धमाकेदार एंट्री लेने जा रही है। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस चुनाव को काफी गंभीरता से ले रही है और बंगाल का बदला यूपी में लेने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी की आकांक्षाएं यही खत्म नहीं होती, वो 2024 से पहले खुद को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी देश के सामने रखना चाहती है। तभी तो टीएमसी की नजर असम और त्रिपुरा के बाद अब यूपी पर है। रणनीति ये है कि ममता की जो जो योजनाएं बंगाल में सफल हैं, उनसे यूपी में भी लोगों को अवगत कराया जाए। अब इस सबका असर बीजेपी पर क्या हो रहा है, या अखिलेश के साथ गठबंधन में अपनी धुर विरोधी ममता बनर्जी से लड़ने के लिए बीजेपी कैसे कमर कसेगी, वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब टक्कर कांटे की होगी। इस बार अगर मोदी, शाह और योगी जैसे चेहरे होंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश के साथ बंगाल की सत्ता पर करीब एक दशक से भी ज्यादा समय से कब्ज ममता बनर्जी होने जा